कक्षा 10 की विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप अभी तक हृदय की बाह्य व आंतरिक संरचना पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हृदय की क्रियाविधि यानी हृदय कार्य कैसे करता है। हृदय का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर यानी रक्त यानी खून को पहुंचाना है और हृदय ही शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को ग्रहण भी करता है, वापस भी लेता है। हृदय जो है ये पंप करने का काम करता है, अर्थात इसमें स्पंदन होता है, धड़कन होती है, धड़कता रहता है। इस कार्य के लिए हृदय सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। इससे क्या होता है कि जब हृदय सिकुड़ता है तो इसको संकुचन कहते हैं, अंग्रेजी में सिस्टोल, और जब हृदय शिथिल पड़ जाता है, अपनी उसी अवस्था में आ जाता है, तो उसको अनुशिथिलन या डायस्टोल कहते हैं। आलिंदों, ये आलिंद हैं ऊपर, ये आलिंद हैं। आलिंद जब शिथिल होते हैं तब ये रक्त, ये अग्रमहाशिरा और पश्चमहाशिरा और इधर से फुफ्फुस शिराओं से रक्त आकर आलिंदों में आ जाता है, और जब निलय शिथिल होते हैं तो वो रुधिर आलिंदों से निलय में इकट्ठा हो जाता है, और जब इन भागों में संकुचन होता है तो रुधिर आलिंदों से निलय में और निलय से आलिंदों से या आलिंद से ये निलय में आया और निलय से महाधमनियों में ढकेल दिया जाता है। अब इसको इस तरह समझ लें कि ये क्रियाएं संकुचन और अनुशिथिलन एक के बाद एक होती रहती हैं, और मनुष्य का हृदय एक मिनट में 72 से 75 बार स्पंदित होता है यानी धड़कता है। अब आप ये समझ लें कि इसमें किस तरह से रक्त का परिवहन होता है। ये जो रेड कलर से, इसमें शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त का मतलब ये होता है जिसमें ऑक्सीजन मिली हो, और अशुद्ध रक्त ये नीले से दिखाया गया है, ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये जब इनमें अनुशिथिलन होता है तो ये इधर से पश्चमहाशिरा जो धड़ व पश्चपाद यानी पैरों से रक्त को लाती है, और ये अग्रमहाशिरा ये जो सिर है ऊपर और अग्रपाद यानी मनुष्य के हाथ, उनसे रक्त को लेकर आती है। ये आलिंद में ये भी खुलती है और ये भी आलिंद में खुल जाती है। तो ये अशुद्ध रक्त आ गया, किस तरफ आया, दाएं तरफ, अर्थात दाहिनी तरफ अशुद्ध रक्त होता है, आलिंद में भी और निलय में भी। पहले अशुद्ध रक्त समझ लें कि ये रक्त आ गया महाशिराओं के द्वारा, इधर से आया, और जब ये आलिंद से, यहां कपाट लगे हुए हैं, ये कपाट हैं, और इससे का रक्त केवल इधर को ही जाएगा, इधर को नहीं जाएगा। ये रक्त जब ये इसमें संकुचन होगा निलय में तो ये जाकर ये धमनी में, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस यानी फेफड़े की धमनी से के द्वारा, एक बाएं फेफड़े के लिए और एक दाएं फेफड़े के लिए ये फुफ्फुस सिराएं, सॉरी फुफ्फुस धमनी, और दाहिने फेफड़े के लिए ये फुफ्फुस धमनियां रक्त को लेकर जाती हैं
किस तरह का रक्त? अशुद्ध रक्त। किस लिए ले जाती हैं? शुद्ध होने के लिए। तो ये बाईं तरफ जितना भी, दाईं तरफ जो भी रक्त होता है अशुद्ध होता। अब देखिए फेफड़ों में रक्त शुद्ध हुआ, इधर भी, बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी। इधर से ये रेड कलर के एरो दिखाए गए हैं, ये शुद्ध रक्त है, इनमें ऑक्सीजन मिली हुई है। ये आकर ये चली जाए, यहाँ ये खुल जाएंगी आकर, और ये फुफ्फुस सिराएं ये इधर रक्त को लेकर बाएं आलिंद में आ जाएंगी, और यही शुद्ध रक्त जो है वो बाएं निलय में पहुंचेगा, और निलय में जब संकुचन होगा तो ये रक्त इधर से होता हुआ महाधमनी चाप, चाप क्यों कहते हैं, ये आर्क बना होता है इसलिए कहते हैं, और यहीं से बंटवारा होता है। ये सिर तथा अग्रपाद के लिए रक्त ऊपर को जाता है, और ये जो आई ये पृष्ठ महाधमनी, इसमें धड़ और पैरों के लिए रक्त जाता है। ये क्रिया लगातार होती रहती है, हृदय धड़कता रहता है और अशुद्ध रक्त का हृदय में आता रहता है, और शुद्ध रक्त का अंगों में बंटवारा होता रहता है। इस प्रकार ये क्रिया चलती रहती है।